Hi, I am Sanjay De. You are watching the videos. We provide online coaching like academic classes, joint entrance, and competitive exam. So please subscribe and press bell icon for all notification and videos and online coaching. Please join with us for online coaching. नमस्ते, मैं हूँ संजय दे और आप देख रहे हैं मेरा ये वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने ला रहे हैं जो कि लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक पाया जाता है। तो एक छोटा सा एक टॉपिक है जो कि सब्जेक्ट है रीजनिंग और टॉपिक है क्यूब एंड डाइस। टॉपिक है क्यूब एंड डाइस। क्वेश्चन है व्हाट नंबर विल कम एट द ऑपोजिट ऑफ वन। व्हाट नंबर विल कम एट द ऑपोजिट ऑफ वन इन द फॉलोइंग डाइस। इसका मतलब है जो एक है उसके ऑपोजिट साइड में क्या होगा। तो दोस्तों, ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, एक नंबर पर है 4, दूसरी नंबर पर है 5, तीसरी नंबर पर है 3, उसके बाद है 2। तो एक के ऑपोजिट साइड में क्या होगा। तो एक के ऑपोजिट साइड में देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा, एक के ऑपोजिट साइड में 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो इसमें एक के ऑपोजिट साइड में क्या होगा, वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक के ऑपोजिट साइड में 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, क्योंकि ये साइड में है, ये 5 और 3 साइड में है, ये ठीक ऑपोजिट साइड में नहीं है। तो 5 और 3 तो नहीं होगा, तो 5 और 3 हम निकाल लेते हैं। दूसरी डाइस में है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, ये 2 और 6 भी नहीं होगा क्योंकि ये साइड में है, इस साइड में है, इस साइड में है, ये तो ऑपोजिट साइड में नहीं है। तो 2 भी है, 6 भी है। तो देखिए, एक के ऑपोजिट साइड में 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, क्योंकि ये साइड में है। तो हम ये जो चार नंबर है वो हम निकले हैं जो कि ऑपोजिट साइड में नहीं है लेकिन ये साइड में है, डाइस के साइड में है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, पहले 4, 4 तो यहाँ पर नहीं है, 4 हो सकता है, 5 दूसरी नंबर पर है, 5 तो यहाँ पर है जो कि ऑपोजिट साइड में नहीं है, उसके बाद है 3, ये 5 नहीं होगा क्योंकि ये 5 ऑपोजिट साइड में नहीं है, साइड में है, ये साइड में है। दूसरी नंबर पर है 3 जो कि साइड में नहीं है, सॉरी ऑपोजिट साइड में नहीं है, साइड में है। तो ये 3 भी नहीं है, 3 भी हम निकल लेते हैं। उसके बाद है 2, 2 भी साइड में है, ऑपोजिट साइड में नहीं है 1 के। और उसके बाद है 6, 6 भी 1 के ऑपोजिट साइड में नहीं है, साइड में है। तो ये 6 तो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो ये 2 नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो 4 हम कंफर्म हो गए कि 4 ही आंसर है। तो ये जो डाइस है, डाइस के 1 के ऑपोजिट साइड में हमको निकालना है कौन है। तो हम कंफर्म हो गए 4 है डाइस। तो आंसर होगा
आंसर है 4, जो कि 1 के ऑपोजिट, ठीक ऑपोजिट साइड में होगा। तो ऐसी वीडियो हम हर एक टॉपिक में हम लाते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रीजनिंग का जो छोटा छोटा पार्ट है हम एक ही वीडियो में हम डाल नहीं सकते, तो हम छोटा छोटा पार्ट लेते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग आप लेना चाहते हैं तो हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट हमसे फ़ोन करके आप पूरा डिटेल्स आप ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट में, और किसी भी आप सॉल्यूशन आप चाहते हैं, किसी भी टॉपिक आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।